नमस्कार, मैं शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22 अक्टूबर 2022 को पीएम रोजगार मेला 2022 का शुभारंभ किया। रोजगार मेले के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में कम से कम 10 लाख नौकरियों के लिए एक मेगा भर्ती अभियान चलाया जाएगा। पीएम रोजगार 2022 भर्ती योजना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू की गई। इसके माध्यम से लगभग 75,000 उम्मीदवारों को विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। जम्मू कश्मीर में आरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश में 15 वर्गों को दिवाली का विशेष तोहफा दिया है। उपराज्यपाल सिन्हा ने जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 के तहत 15 नए वर्गों को सामाजिक जाति सूची में शामिल करने को लेकर अधिसूचना जारी की है। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने धमाकेदार अंदाज में ऑस्ट्रेलिया को 89 रनों से हरा दिया। न्यूजीलैंड की तरफ से ड्वेन कॉनवे ने कमाल का खेल दिखाया। इसके बाद टीम सऊदी ने खतरनाक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को टिकने का मौका नहीं दिया। भारत पाक के बीच होने वाले मुकाबले पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम पाकिस्तान नहीं जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मैच खेलते हैं। क्या होगा अगर पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला जाए? 1,000-2,000 करोड़ का नुकसान होगा टीवी का। मत खेलें आप, भारत से बढ़कर है क्या ये मैच? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने आज स्नातक और प्रवीणता प्रमाण पत्र COP कार्यक्रमों के लिए पहली सीट आवंटन सूची जारी की है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट JNUEE.JNU.AC.IN पर जाकर लिस्ट चेक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में हुए भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 40 से ज़्यादा लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर 3 वाहनों की टक्कर से यह हादसा हुआ है। इस हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। जीतन राम मांझी ने गया के गोदावरी स्थित अपने आवास पर मीडिया को यह बयान दिया है कि पाला बदलने के स्वागत के पीछे जीतन राम मांझी ने वजह भी बताई है। उन्होंने कहा कि अगर पाला बदलने से राज्य को फायदा होता है और नीतीश कुमार ऐसा करते हैं तो उनका स्वागत है। सरकार ने कुछ दिनों पहले ही पीएम किसान योजना में बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें KYC को अनिवार्य करना है, भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन करना, साथ ही लाभार्थी पोर्टल पर स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया को भी बदल दिया गया। अब से किसान का मोबाइल नंबर पीएम किसान योजना से जुड़े रहने में अहम रोल अदा करेगा। RJD अध्यक्ष लाल प्रसाद यादव और बिहार में डिप्टी CM उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव आने वाले समय में 25 साल पुरानी अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और उसके चुनाव चिन्ह लाल चिन्ह को टाटा गुड बाय कर सकते हैं। 25 साल पहले जिस राष्ट्रीय जनता दल को लालू यादव ने बनाया और जिस लालटेन को राजद का चुनाव चिन्ह बनाया गया, अब वो उसी का नाम और पहचान निशान बदलने की खामोश तैयारियों में लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में भाजपा के 4 बागी नेताओं ने निर्दलीय नामांकन भरकर पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर से कृपाल परमार ने आज रात नामांकन भरकर भाजपा प्रत्याशी राकेश पठानिया के समक्ष खुली चुनौती पेश कर दी है। वहीं विधानसभा क्षेत्र इंदौर से मनोहर धीमान ने नामांकन दर्ज कर भाजपा की मौजूदा विधायक रीता धीमान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम और हवा की दिशा में बदलाव की वजह से दिल्ली की हवा दम घोटू हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में 5 जिले रोहतक, झज्जर, सोनीपत, बागपत और गाजियाबाद में प्रदूषण असर काफ़ी बढ़ गया है। इन जिलों की वजह से दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 के 21 अक्टूबर के एपिसोड में कंटेस्टेंट गगनदीप सिंह हॉट सीट पर बैठे। टेक फील्ड से ताल्लुक रखने वाले गगनदीप सिंह ने बहुत जल्दी पहला पड़ाव पार कर लिया और तेजी से दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन 3,20,000 के सवाल पर पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी 2 लाइफ लाइन्स गंवा दी थी। 5 दिवसीय दीपावली महापर्व की शुरुआत शनिवार को धनतेरस से हो चुकी है। इस वर्ष धनतेरस की खरीदारी का मुहूर्त 22 अक्टूबर की शाम से 23 अक्टूबर की शाम तक, ऐसे में लोग 2 दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी कर सकेंगे। धनतेरस पर ब्रह्म और इंद्र नामक शुभकारी योग भी बन रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बाद पार्टी में अब पदों के लिए चहलकदमी तेज हो गई है। नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को औपचारिक रूप से पद संभालेंगे। खबर है कि इसके साथ ही वह कांग्रेस में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि इसे लेकर पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। देश बीते 5 साल में विमान हादसों में अपने 50 बहादुरों को खो चुका है और आर्मी चॉपर्स के क्रैश होने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में शुक्रवार को सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई जबकि 1 सैन्यकर्मी की तलाश जारी है।
दीपों का त्यौहार दीपावली और महापर्व छठ को लेकर चुनाव आयोग की नजर प्रत्याशियों की गतिविधियों पर है। प्रत्याशी अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलकर दीपावली गिफ्ट भेंट करते हैं, तो उस पर भी आयोग की नजर है। प्रत्याशी के द्वारा दीपावली गिफ्ट के बहाने वोटरों को लुभाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है, साथ ही दीपावली गिफ्ट में क्या है उसकी कीमत का आकलन भी किया जाएगा। T20 विश्व कप में भारत अपना पहला मुकाबला रविवार 23 अक्टूबर को मेलबर्न में चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से खेलेगा। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को मैच का इंतजार है। टीम इंडिया देशवासियों को दिवाली से पहले दिवाली का तोहफा देने उतरेगी। वैसे T20 विश्व कप में अब तक दोनों टीमें 6 बार आमने सामने हुई हैं। भारत ने 5 बार जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 1 बार जीतने में सफल रहा है। बिहार उपचुनाव का घमासान जारी है। भाजपा ने ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को टिकट थमाया, जबकि राजद की ओर से महागठबंधन ने जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक तस्वीर जारी की है, जिसमें अनंत सिंह कोर्ट परिसर में कई लोगों से मिलते जुलते दिख रहे हैं। महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की फीचर फिल्म पाथेर पांचाली को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में 1955 की इस फिल्म ने शीर्ष 10 फिल्मों में प्रथम स्थान हासिल किया है, जिसका ऐलान FIPRESCI की ओर से कराए गए मतदान के बाद किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने शराब को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की दुहाई देने वाले सीएम के करीबी नेता जब बिहार से बाहर जाते हैं तो वहां रंगीन पानी का सेवन करते हैं और यहां शराबबंदी से बिहार को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को 4 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है, जिसमें 4 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान पर उतारा है। अब तक कांग्रेस ने कुल 67 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, केवल 1 सीट पर पेच फंसी हुई है। बिहार की राजनीति में इन दिनों चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर सुर्खियों में बने हुए हैं। कुछ दिन पहले वो सीएम नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया था, इस बयान के बाद सीएम ने भी प्रतिक्रिया दी। वहीं राजद नेता शिवानंद तिवारी ने प्रशांत किशोर को लेकर खुलासा किया है कि उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को जदयू और राजद को साथ आने की सलाह दी थी। दरभंगा एयरपोर्ट से गुरुवार को सभी रूटों पर विमानों की आवाजाही हुई। करीब 3.5 माह बाद दिल्ली मुंबई बेंगलुरु के लिए 2-2 और कोलकाता एवं हैदराबाद के लिए 1-1 विमानों का परिचालन हुआ। शेड्यूल के अनुसार दोनों एयरलाइंस के विमानों ने उड़ान भरी से यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। दिल्ली की एक अदालत ने ठग शुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस की अंतरिम जमानत 10 नवंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने ईडी को सभी पक्षों को चार्जशीट और केस से जुड़े अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंटरपोल के सभी सदस्य देशों को आतंकवाद के खिलाफ लंबी विस्तृत और अस्थायी लड़ाई लड़नी होगी। शाह ने यह भी कहा कि इंटरपोल सीमा पार के आतंकवाद को हराने के लिए सबसे अच्छा मंच है। आतंकवाद से लड़ने के लिए दुनिया की सभी आतंकवाद रोधी एजेंसियों को एक साथ लाना होगा। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC का 1 सप्ताह से जारी महासम्मेलन शनिवार को पार्टी की केंद्रीय समिति के चुनाव और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को और अधिकार देने के लिए अपने संविधान में बदलाव सहित कई प्रस्तावों को पारित करने के साथ ही संपन्न हो गया। शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था SEBI ने बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के अलावा कंपनी के प्रमोटर्स और अरबपति वाजिया परिवार को 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। जिन प्रमोटर्स को सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित किया गया है उनमें नुस्ली एंड वाजिया, नेस वाजिया और जहांगीर वाजिया भी शामिल हैं। झारखंड के चाईबासा में हवाई अड्डे के पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ 10 लोगों द्वारा कथित तौर पर गैंगरेप किए जाने की खबर से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। इस मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन किया गया है। कोरोना की नई लहर आशंकाओं के बीच ब्रिटेन से एक चौंकाने वाली नजर आई है। इसके मुताबिक अक्टूबर महीने की शुरुआत में 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। यह रिपोर्ट नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की तरफ से जारी आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। इसके मुताबिक इंग्लैंड की आबादी में 30 में एक व्यक्ति इस दौरान कोरोना संक्रमित रहा। रूस और यूक्रेन के बीच 8 महीने से लगातार भयंकर जंग चल रही है। इस बीच यूक्रेन के हाईवे पर एक कार हेलीकॉप्टर से टकराने से बाल बाल बच गई। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यूक्रेन के एक हाईवे पर एक हेलीकॉप्टर और कार दिखाई दे रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है ओमकार सिंह, रविशंकर, पवन यादव, दीपक कुमार, नुनू कुमार, भान प्रकाश मौर्य, मोहम्मद नौशाद रजा, KK सिन्हा, जितेंद्र ठाकुर और अजीत कुमार यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप धनतेरस में क्या खरीदने की योजना बना रहे हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।